Hello everyone, welcome to Perkins Online. Today I'm going to teach you basic English lecture number 52, preposition time since. अब ये जो since है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा problem आती है. For since कहते हैं for कब लगाना है, since कब लगाना है. अब मैं पहले इसकी definition बता देता हूँ, अब मैं इसको detail में आपको समझाऊंगा कि since को हमने कब use करना है. Alright? So specific point in time. इसको समझाने के लिए मुझे फॉर को भी इसी लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करना पड़ेगा, तो आप अगले वाले में भी कर लेना और इसमें भी कर लेना फॉर को. अच्छा, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को क्या मतलब है? एक टाइम स्पेसिफिक टाइम का, उसके अंदर हमने यूज करना है सेंस को. अब मैं आपको जरा सिंपली कहता हूं कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इस एकेडमी में कब से पढ़ रहे हैं. सोचें अगर आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स 2010 से देख रहे हैं, ठीक है, 2010 से आप देख रहे हैं. ऑलराइट, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप कितने सालों से देख रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं 2 सालों से देख रहा हूं. ठीक है, 2 years. ये 2 सालों से नहीं आ रहे, मगर फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं. अच्छा, अब ये 2 साल कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया? आपने इस 2 सालों को कैलकुलेट करने के लिए, इनको निकालने के लिए क्या किया? आपने आज का टाइम, ठीक है, आपने आज का टाइम, इसको 2011 कर दें, आपने आज का टाइम और जब से आप कर रहे हैं उसको कैलकुलेट किया ना. दो चीजें आपके पास थी, दो डेट्स थी आपके पास, दो इवेंट्स थे टाइम के. एक 2013 था और एक 2011 था, तो तब जाके आपका 2 साल निकला. तो जब आप दो डेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो तब हम उधर फॉर लगाते हैं, और जब सिर्फ एक डेट होती है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम होता है, तो हम सिंस लगाते हैं. अब ये सोचें कि आप इस एकेडमी में वेंसडे से आ रहे हैं, ठीक है, आज फ्राइडे है, तो अगर आपने फॉर में इसको यूज करना है तो आप कहेंगे आई हैव बीन कमिंग फॉर द लास्ट 2 डेज. मगर वेंसडे को कैलकुलेट करने के लिए आपने आज को तो नहीं हुआ ना, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक दिन का बता दिया, सिंस 2001. मतलब इसमें आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, जब दो डेट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उधर सिंस को यूज करेंगे.